सुन सकें। कुछ और कलाकारों से आपकी मुलाकात करा दूं, उनका भी गाना सुनवा दूं, और आपके राशि के हिसाब से आज का दिन आपका कैसा होने वाला है वो भी आपको बता दें। तो जब आपको पता लग जाएगा आज का दिन कैसा होने वाला है तो आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं अपनी आदतों से, अपने नए नए विचारों से। वो भी हम उसमें बताएंगे कि आज आपको क्या सोचना है, क्या आदत नहीं बनानी है। तो यदि वो सब चीज़ें आप मिला लेंगे तो राशि के हिसाब से जो आपका दिन है वो उससे बेहतर हो जाएगा। ये कार्यक्रम है सहर, और ये हफ्ते में 5 दिन होगा, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, और सैटरडे संडे नहीं होगा। सैटरडे संडे आपको छुट्टी दी जाती है।
भजन सम्राट कहा जाता है, तो क्या इसी तरह के कुछ भजन उसमें भी सुनने के लिए मिलेंगे आपके भजन के पिटारे में? बिल्कुल, उसमें बहुत से भजन आपको सुनने को मिलेंगे, बल्कि हम और दूसरे कलाकारों को भी उसमें प्रस्तुत करेंगे। बहुत हम इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत भजन आपको सुनाएंगे, साथ साथ ऐसे कलाकारों को भी प्रस्तुत करेंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं और आगे चल के उनका नाम होगा या जो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं। इस तरह के कलाकारों को आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे कवियों को भी पेश करें जो बहुत अच्छा भजन लिखते हैं। तो ये आपकी सुबह होने वाली है। बिग एफएम के साथ आप पहली बार जुड़े हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा होने वाला है रिलेशनशिप? बिग एफएम के साथ ये रिश्ता जुड़ा है और बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ा है। मुझे ये काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। इसके पहले मुझे तलत अजीज साहब ने बताया था कि वो एक गज़ल का प्रोग्राम करते हैं और वो हमने सुना भी है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये भजन का करें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बिग एफएम में मेरे लिए रिकमेंड भी किया, तो ये काम हो गया है और अब आपके सामने है। अब इस प्रोग्राम को सुनिए और इसका मज़ा लीजिए। पर यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, भजन जो जो अच्छा गाते हैं उनका भी भजन है, भजन सबका है। मेरे ख्याल से कुछ ईश्वर की कृपा है कि लोग मुझे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मुझसे अच्छा गाने वाले बहुत से सिंगर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनको सुनिए। दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी है। दिवाली का एक हमने एल्बम बनाया है वीनस एल्बम से, तो हम दिवाली के ऊपर जो भजन होने चाहिए वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसमें ऑडियंस के लिए दिवाली, दीपावली आ गई है हर साल की तरह, इसका खूब आनंद लीजिए। और जैसा कि हमारे देश में एक नई लहर चली है कि वही चीज़ें खरीदी है जो हिंदुस्तान में बनी हुई हैं,